नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जा वाहन अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, जयपुर के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावा जी, तमाम मंत्रासीन मंत्रीगण, बोर्डों के चेयरमैन, विधायकगण और सामने विराजमान कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी तमाम कार्यकर्ता गण, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि पिछले 8 वर्षों से जब से ये तानाशाह सरकार मोदी सरकार देश की सत्ता में बैठी है, जिस तरह से देश की जनता और सत्ता बदलने का काम किया, आज पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई की कदर बढ़ती जा रही है, ये आज हम सबके सामने है। पिछले 8 वर्ष पूर्व जब ये मोदी सरकार ने देश के युवाओं को गुमराह करके, देश के किसानों को झूठे सपने दिखाकर, देश की महिलाओं को झूठे सपने दिखाकर देश की सत्ता पे काबिज तो हुए, लेकिन इन्होंने 8 वर्ष में जो भी घोषणाएं की थी, जो भी घोषणा पत्र में वादे किए थे, एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मात्र 3.5 वर्षों के अंदर विपरीत परिस्थितियों के बाद भी केंद्र सरकार के सौतेला व्यवहार होने के बावजूद 90% से अधिक की जो भी हमारी घोषणा पत्र की घोषणाएं थी उसको पूरा करने का काम किया है। आज ये तानाशाह मोदी सरकार देश की जो हमारी धरोहर है, जो देश की हमारी संपत्तियां है, तो कांग्रेस पार्टी के जो देश के नेताओं ने संपत्ति को संभाला था, आज एक एक करके उसको बेचने का काम ये तानाशाह सरकार, ये देश की मोदी सरकार कर रही है। आज हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है, किस तरह से किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किस तरह से व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यह तो सिर्फ जाति और धर्म की बात करते हुए देश को आज इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज देश का हाल हुआ अपने आप को गुलामी आजादी होने के बाद भी गुलाम नजर आ रहा है। ये मोदी और तानाशाह सरकार जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाने की बात करते हैं देश में, चाहे CID हो, चाहे CBI हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, आज वो भाजपा की एजेंसियां बनकर स्वेच्छ भावना से काम कर रही है, तो जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको डराने धमकाने की बात करते हैं, लेकिन वो शायद भूल गए कांग्रेस पार्टी का वो कार्यकर्ता है जिनके रग रग में आजादी के क्रांति वीरों का खून से दौड़ रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता न तो कभी डराता न वो डरेगा। देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राजस्थान में अशोक जी गहलोत और गोविंद जी डोटासरा के नेतृत्व में जब जब भी आह्वान होगा सड़कों पे उतरेगा, उस तानाशाह मोदी सरकार को जवाब देने का काम करेगा। मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि तानाशाह और मोदी सरकार को हमें उखाड़ फेंकना होगा, जिससे कि हम इस देश में वही राम राज्य ला सके जो कांग्रेस शासनकाल में सपना देखा था, देश को आगे बढ़ाने का, किसानों को आगे बढ़ाने का, युवाओं को उज्जवल भविष्य का। अगर वो कोई काम कर सकता है तो कांग्रेस के पैर, कांग्रेस की शासनकाल में कांग्रेस की सरकार ही वो कर सकती है। मेरा तो यही आवाज, जब जब भी गोविंद जी डोटासरा आह्वान करे, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत आह्वान करे, हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और इस लड़ाई के साथ हमें साथ देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर साथियों, तमाम कांग्रेस के साथी आज खुल करके राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा साहब के नेतृत्व के अंदर केंद्र की सरकार को चेताने का काम करेंगे और केंद्र की सरकार को संदेश देंगे कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जिसे समीर न माने उसे सलाम न कर, खतरा हमारे मुल्क को मोदी तेरी नीयत से, अपने अमल को बदल हमें बदनाम न कर। साथियों मिलकर के आज हम इस आंदोलन के अंदर तमाम साथी कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब के नेतृत्व में गिरफ्तारियां देंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा राजस्थान स्टेट एग्रो डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर जी डूबी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप मंच के जानेब आए और आज के हमारे इस कार्यक्रम महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र की सरकार के आतंक के खिलाफ अपना उद्बोधन दे सम्मानीय रामेश्वर जी डूबी साहब। आज महंगाई और बेरोजगारी के इस प्रदर्शन में सामने से बैठ जाइए हमारे पिछले समाज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
समाज डोटासरा सिंह, समाज हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट के सभी मंत्रीगण, समाज एमएलए साहबान और विराजमान हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, पूरा जो दूर दराज से आए पूरे राजस्थान के हमारे कार्यकर्ताओं, बुजुर्गों, युवा साथियों, आज पूर्व वक्ताओं ने आपको बड़ी बात ही बताया क्या किस तरह देश के अंदर तो केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार है, तो उसके द्वारा महंगाई बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है। तो वो बातें आप याद करो, आज से 8 साल पहले मोदी जी ने कहा था कि मेरे देश का प्रधानमंत्री बना दो और प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का काम करूंगा। आज 8 साल हो गए, कम से कम 16 करोड़ लोगों को, हमारे युवा साथियों को नौकरी लग गई थी, लेकिन एक भी नौकरी जो है इन्होंने लगाने का काम नहीं किया। और पूरे देश के अंदर जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और इन्होंने तो आटा और खाद्य सामग्री को नहीं छोड़ा, प्रताप सिंह की खातिर आवाज का मैं टीवी के अंदर देख रहा था, तो किस कदर जो है इन्होंने पूरे देश के अंदर हाहाकार करने का काम किया। आज किस कदर जो हमारे देश की जो संस्थाएं, जो हमारे देश की श्रेष्ठ श्रेष्ठ संस्थाएं, वो कांग्रेस के राज के अंदर फ्री है, वो जो फ्री हिसाब से काम करती थी, एक नियम और कानून के हिसाब से काम करती थी, लेकिन आज इन्होंने उन संस्थाओं को अपने जेबी संस्थाएं बनाने का काम किया। उन संस्थाओं से आम जो हमारे हिन्दुस्तान के जो लोग और विशेष हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता, उनका हरसमेंट करने का, उन पर न्याय की कोई बात नहीं करनी, उन पर अत्याचार करने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करी है, साथियों हमें हिम्मत और समझन से काम करना है आने वाले समय के अंदर, और हमें हिम्मत दिखानी है। आज दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें कई बातें इन्होंने कही, उन बातों को आप जो है मद्देनजर रखते हुए, उन बातों को दिल में बिठाकर और हमें सड़कों पर मजबूत तरीके से उतरना है, और इस सरकार का जो है भारतीय जनता पार्टी का उसका घोर विरोध करना है, और ये जो आप संकेत और संदेश लेके जाओगे, क्योंकि तो आज पूरे राजस्थान के अंदर जिला हेडक्वार्टर पर भी ये प्रदर्शन रखा हुआ है। आज महंगाई एक गांव एक ठेठ ठाणी के अंदर बैठा हुआ हमारा जो गरीब परिवार है, चाहे शहर के अंदर जो आखिरी वार्ड के अंदर बैठा हुआ जो गरीब परिवार है, वो गरीब परिवार उसके खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो जो है इस महंगाई के अंदर इस कदर जो है महंगाई बढ़ी है कि वो 2 वक्त का आटा नहीं ला सकता। साथियों हमें सोचना है, हमें हिम्मत करनी है, और समय निकालकर घर के अंदर काम सबके अंदर सबके काम, लेकिन ये पूरे देश के भले का काम है। कांग्रेस पार्टी आज जो लोकतंत्र की हत्या करने पर यह भारतीय जनता पार्टी चली हुई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तुले हुए हैं, उस संविधान को, उस लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। इसलिए साथियों में ज्यादा समय नहीं लेता, बोलने वाले खूब हमारे सारे एमएलए, मंत्री और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता है, वो आए हुए तो 2 मिनट अपने विचार रखेंगे।